तो आइए आगे का एजेंडा शुरू करते हैं और अभी की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में तीन जगह पर एनकाउंटर की सूचना है। जम्मू कश्मीर में तीन एनकाउंटर, तीन आतंकी ढेर किए गए हैं। कुपवाड़ा के माछिल और तंगधार में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। राजौरी में भी आतंकियों के साथ एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर में तीन जगह पर एनकाउंटर चल रहा है। जम्मू कश्मीर से अभी की यह बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें इन एनकाउंटर्स में तीन आतंकवादियों को ढेर भी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और तीन दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। राजौरी से भी सूचना मिल रही है कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। राजौरी में दो से तीन आतंकी छिपे हो सकते हैं, इस तरह की आशंका है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ही यह खबर है। एक बार फिर से वहां पर कुपवाड़ा में एनकाउंटर और उससे जुड़ी एक बड़ी खबर, अभी एक बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा दें। दरअसल कुपवाड़ा एनकाउंटर पर जो अहम खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में तीन जगहों पर घुसपैठ की जो कोशिश की गई थी उसे एक तरीके से नाकाम कर दिया गया है। तंगधार सेक्टर में भी एक आतंकी मारा गया। माछिल और तंगधार में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आपको बता दें कि माछिल में घुसपैठ कर रहे दो आतंकी मार दिए गए हैं, जबकि तंगधार सेक्टर में भी एक आतंकी मारा गया। माछिल और तंगधार में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसिफ कुरैशी आपको नजर आ रहे हैं श्रीनगर से, और जम्मू से अजय बाछलू हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ आपके पास क्या और जानकारी है इन मुठभेड़, ये जो मुठभेड़ जारी है उसको लेकर? अखिलेश देखिए, ये मुठभेड़ के साथ साथ एक घुसपैठ की बड़ी कोशिश है जिसको विफल कर दिया गया। सेना का ये कहना है कि दो अलग अलग जगहों से तकरीबन छह घुसपैठियों की दो टीम्स ने घुसपैठ करने की कोशिश की। पहले घुसपैठ की कोशिश जो हुई थी वो टंगडार के कुशाल पोस्ट के आसपास के वाले इलाके में खराब मौसम का फायदा उठाकर की गई थी, जिसको सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। और रात भर चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों का ये कहना है कि कम से कम एक घुसपैठिए को तो मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी इस इलाके में दो मिलिटेंट्स के होने की खबर है, तो इसीलिए ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जबकि दूसरा जो घुसपैठ की कोशिश हुई थी वो हुई थी वो मत्स्य सेक्टर के कुमकारी इलाके में हुई थी, कुमकारी पोस्ट के पास हुई थी, जिसमें सेना ने अब तक दो घुसपैठियों को मार गिराया है। और यहाँ पर भी चूंकि पूरा पहाड़ी इलाका है, तकरीबन 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाला इलाका है, जंगल का इलाका है, और ख़राब मौसम के चलते जो है दिक्कतों का सामना है, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा बलों का ये कहना है कि दो अलग अलग घुसपैठ की कोशिशों को विफल किया गया है। तीन घुसपैठियों के राजौरी में भी एनकाउंटर की सूचना है। खवास इलाके में आतंकियों के साथ एनकाउंटर, दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि आतंकियों ने रात भर रुक रुक कर फायरिंग की है। सुबह 6 बजे से फायरिंग बंद है। सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दो से तीन आतंकियों के यहां पर छिपे होने की खबर मिल रही है। अजय बाछलू के पास चलते हैं। अजय, इस बाबत आपको क्या और पता चल पा रहा है? सर्च ऑपरेशन में कोई कामयाबी मिल पाई? देखिए अखिलेश, राजौरी वो इलाका है जहां दूसरे चरण में चुनाव है और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही बीफअप कर दिया गया है, सिक्योरिटी बीफअप कर दी गई है। तो इसी संदर्भ में कल शाम करीब 9:30 बजे सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि राजौरी के 3 से 4 इलाकों में संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद वहाँ इन 4 इलाकों में अलग अलग सर्च ऑपरेशन चलाए गए। करीब 12:45 बजे रात को खेड़ी मोड़ा इलाका है जहाँ पर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली, और बताया जा रहा है कि इस इलाके में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और मौसम भी वहाँ ख़राब था, तो 2 से 3 आतंकी वहाँ छिपे हुए थे, जिसके बाद पूरे खेड़ी मोड़ा इलाके को जो है वो सुरक्षा बलों ने घेर लिया। रात भर जो है दोनों तरफ से रुक रुक के फायरिंग होती रही, लेकिन सुबह 6 बजे के बाद से फायरिंग बिल्कुल बंद है। और अब उस इलाके में एडिशनल ट्रूप्स और भेज दी गई हैं और पूरे इलाके को न केवल घेर लिया गया है बल्कि वहां पर व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि जो 2 से 3 आतंकी जिनके छुपे होने की खबर यहां से सुरक्षा बलों को मिली है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो वहां पर व्यापक सर्च ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। कुछ जानकारी और मिलेगी अजय तो बताइएगा, दर्शकों तक वो सूचना भी पहुंचाएंगे। आपका और आसिफ दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे देश की बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं पहले देश की राजधानी दिल्ली की, और देखिए क्या लिखा है। फिर वही कहानी, दिल्ली पानी पानी। यही स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली में, एक बार फिर से हर तरफ पानी का कब्जा।
पूरी रात बारिश के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जलभराव की सूचना है, जिससे लोगों को अब आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये कतारबद्ध गाड़ियां जो नजर आ रही हैं, कई जगहों से हमें जानकारी मिल रही है दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से कि वहां पर ट्रैफिक जाम है। सुबह का वक्त जब लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं, बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, आप देख पा रहे हैं सड़कों का कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। हर तरफ गाड़ियों की लंबी श्रृंखला नजर आ रही है। तो बारिश हुई नहीं दिल्ली में और जल भराव की समस्या और उसके बाद ट्रैफिक जाम। तो बारिश होने से लोग खुश जरूर हो जाते हैं क्योंकि मौसम खुशनुमा हो चलता है, लेकिन उसका जो एक साइड इफेक्ट है वो सड़क पर देखने को मिलता है, जब ज्यादा जल भराव की वजह से जहां तहां जाम लग जाता है। और ये हर साल की कहानी है, थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि दिल्ली की रफ्तार रुक जाती है। जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था अब तक नहीं कोई भी सरकार कर पाई। दावे जरूर हर बार किए जाते हैं, अलग अलग पार्टियों की तरफ से किए जाते हैं, सत्ता में आने के लिए किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही स्थिति नजर आती है। कोई भी पार्टी हो, इस समस्या का कम से कम कोई समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। ना ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, और उसी का यह परिणाम है कि थोड़ी सी बारिश होती है और दिल्ली की सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं। नतीजतन गाड़ियां फंस जाती हैं इस पानी में, ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। ये आईटीओ की तस्वीर है और धौला कुआं, दिल्ली के दो ऐसी जगह दिल्ली की जहां पर बड़ी संख्या में गाड़ियां आती जाती हैं। आईटीओ तो आपको पता ही है, मुख्य चौराहा है दिल्ली का, जहां पर इनकम टैक्स ऑफिस है, दिल्ली पुलिस की बिल्डिंग है वहां पर। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं धौला कुआं, रिंग रोड पर धौला कुआं, वो गोल चक्कर जहां पर आप देख पा रहे हैं कि गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं। तो दिल्ली में एक बार फिर से वही कहानी नजर आ रही है जो हर बार देखने को मिलती है बारिश होने के बाद। आइए मैं आपको अपने रिपोर्टर्स के पास लिए चलता हूं, ग्राउंड जीरो से जानते हैं कि वहां पर क्या हालात है। सेंट्रल दिल्ली से आजादी का सिंह है, दक्षिणी दिल्ली से मेघा उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आजादी का आप ही के पास मैं आना चाहूंगा, और सेंट्रल दिल्ली की बात की जाए तो यहां से क्या खबर और मिल पा रही है बारिश को लेकर और उसके बाद जो ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती है। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो आईटीओ से थोड़ा सा आगे है और सेंट्रल दिल्ली का ये इलाका है। अभी आप देखेंगे बारिश बहुत हल्की हो गई है और हल्की बारिश होने की वजह से जो यहाँ पर जाम लगा हुआ था वो फिलहाल क्लियर हो गया है, जैसे कि आपको तस्वीरों में नजर भी आएगा। कुछ वक्त पहले की बात करें तो यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की, लेकिन वो फिलहाल यहाँ पर हट गई है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी ऐसे में मौके पर पहुँचे हैं और उन्होंने भी ट्रैफिक को डिस्पर्स करने की कोशिश की है, जिसके बाद में फिलहाल जो सिचुएशन है वो नॉर्मल दिखाई दे रही है। लेकिन कई सारे ऐसे इलाके हैं सेंट्रल दिल्ली के ही जहाँ पर अब भी जल भराव है और वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पाई है। और क्योंकि मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि इसी तरह से 4 सितंबर तक बारिश होती रहेगी, जो मध्यम स्तर की बारिश है वो होती रहेगी। इस दौरान के हालात अभी नजर आ रहे हैं। साउथ दिल्ली में मेघा क्या स्थिति है, वहां पर क्या देख पा रही हैं आप? पीछे तस्वीरें आपको बयां करेंगी, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ धौला कुआं के पास। ये रास्ता आगे जयपुर या फिर एयरपोर्ट या महपालपुर की तरफ जाता है। जरा तस्वीरें आप देखिए तो आपको ट्रैफिक जाम की तस्वीरें बिल्कुल साफ नजर आएंगी। आप जल भराव देखिए तो मैं थोड़ी ऊंचाई पे, यानी कि रोड के किनारे जो फुटपाथ ऊंचा करके बनाया जाता है वहां पर मौजूद हूँ, लेकिन नीचे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल समतल हो चुका है, यानी कि यहाँ मैं ऊंचे में हूँ और नीचा बिल्कुल बराबर हो चुका है। जरा आप गाड़ियों की रफ्तार देखिए, काफ़ी धीमी, और मुझे सेंट्रल दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में अमूमन 20 मिनट लगते हैं, लेकिन अभी 1.5 घंटे का समय लगा है, यानी कि इतना लंबा ट्रैफिक जाम आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा। दूर तक गाड़ियाँ, बसें, छोटे जो दो चक्के वाहन हैं वो बिल्कुल पानी में डूबे हुए, कुछ स्कूटी और बाइक की हालत तो ये तस्वीरों में नजर आएंगी कि वो खराब हो चुकी हैं। आपको एक और तस्वीर में यहाँ से दिखाऊँ अखिलेश, तो आप जरा देखिए पीछे ट्रैक्टर और ये गाड़ी, माफ कीजिएगा, पानी निकासी का काम यहाँ से कर रहे हैं। अब देखिए मोटे मोटे पाइप लगाकर पानी को यहाँ से दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। कितनी सारी गाड़ियाँ जो है बीच में बंद पड़ गई हैं, खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम है। और अभी पिछले आधे घंटे से यहाँ पे निकासी का काम भी चल रहा है, यहाँ से पानी को दूसरी तरफ। फिलहाल आपका और आजादी का, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में क्या हालात है वो तो आप देख रहे हैं, बात अब हम गुजरात की भी करेंगे।
गुजरात में दरअसल लगातार बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी मुसीबत में है। और इस बीच बड़ी खबर में आपको बता दूं, आज भी गुजरात के 13 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है, यानी भारी बारिश होगी। बारिश की वजह से 4 दिनों में 28 लोगों की जान जा चुकी है और स्थितियां इस कदर खराब हो गई हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना तक की मदद ली गई है। तो गुजरात में बारिश के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास, वडोदरा में अभिषेक मौजूद हैं और वहां पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक वो खबरें पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, अभी क्या देख पा रहे हैं आप, क्या स्थिति है वहां? देखिए, मैं वडोदरा के वडसर में हूँ, यहाँ अभी भी पानी जो है कमर तक है और ये पानी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये पानी गांव की तरफ सीधे तक आ जाएगा। ये सब लोग अपने अपनी सोसाइटी में कैद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि बहुत बड़ा एरिया है, देखिए किस तरह लोग आ रहे हैं सामने से। राजेंद्र जी उधर दिखाइएगा, जिनको अंदर आना होता है वो इस तरह से सामान ले करके और कमर तक पानी में होते हुए आते हैं, और ये तो आप आ रहे हैं, चूँकि आगे की ओर जाना भी मुमकिन नहीं है। इतना ज़्यादा जो गांव का इलाका है वहां पर गले तक पानी आ गया, और इनकी समस्या सुनते हैं। राजेंद्र जी इधर कैमरा घुमाइएगा, इधर कोई मदद पहुंची यहां अभी तक? अभी बाहर से कोई मदद नहीं पहुंची है सर, आके आपस में सोसाइटी वाले और गांव वाले एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और आगे जो है और भी ज़्यादा गहरा पानी है, जैसे जैसे अपने गाँव की तरफ जाएंगे ना वैसे वैसे अपने गले तक नाक तक पानी आएगा, मुंह तक, इतने पानी है, इतना ज़्यादा पानी आ गया है। और देखिए थोड़ा जगह दीजिएगा, वो जो सोसाइटी में लोग यहाँ पर हैं उनके पास जाने की कोशिश करता हूँ मैं। थोड़ा सामने से हट जाइएगा, इधर आ जाइए। ये देखिए, ये लोग जो सोसाइटी में फंसे हुए हैं इनके पास जाना इसलिए ज़रूरी है अखिलेश, क्योंकि देखिए अब इनके पास जाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और इनके पास अभी तक जो ये कह रहे हैं कोई मदद नहीं पहुंची है, कोई आया नहीं है। इधर आ जाइए, कोई आया नहीं आपके पास अभी तक कोई मदद किस तरह की? हाँ, तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं काफ़ी, ये तो इसके बाद भी कोई आया नहीं यहाँ पर? कोई प्रशासन देखने नहीं आया अभी यहाँ पे, कोई आया ही नहीं है। बच्चों का दूध वगैरह दूध नहीं मिलता है 3 दिन से। हम बारिश हुई है यहाँ पे, जब से बारिश चालू हुई है कोई प्रशासन का या कॉरपोरेशन का कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं आया। आगे बता रहे हैं कि पानी सर तक है पानी, आगे आप जाएंगे तो कम से कम 12 से 15 फुट पानी है। कितने लोग आगे फंसे होंगे कुछ आइडिया आप लोगों को? पूरा गांव फंसा हुआ है, पूरी बड़सर गांव है और भी बहुत सारी सोसाइटियां हैं जो कि फंसी हुई है, और पूरे पानी 12 से 13 फुट पानी है, लेकिन प्रशासन का अभी भी कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं आया। देखिए इनकी जो तकलीफ है वो बड़ी जेन्युइन तकलीफ है, एक भी कोई ना नेता आया है ना कोई प्रशासन का आदमी आया है। और आप सोचिए इसके आगे जो बड़सर गांव है वहां पर ये बता रहे हैं कि पानी जो है सर से ऊपर है और वहां पर बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। एक बहुत बड़ा इलाका है जो इसी तरह से पानी में डूबा हुआ है। विश्वावती नदी का जो वाटर लेवल है अभी भी 35 फीट के करीब है, और चूंकि आजवा डैम में भी पानी का जो लेवल है वहाँ पर 214 फीट को पार कर गया है। तो ऐसे में अगर डैम से पानी छोड़ा जाता है तो ये समस्या और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल की अभी दिक्कत ये है कि पूरी इस इलाके में ऐसे ही वाटर इमरजेंसी लगी हुई है, इधर कोई जा नहीं सकता है। और यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, इसके आगे ये बता रहे हैं कि इसके आगे कोई पहुँच नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पानी सर को भी पार कर जा रहा है, पूरा पूरा गाँव आगे फंसा हुआ है। अखिलेश अभिषेक, वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, पल पल का हाल आप दिखा रहे हैं। कुछ लोगों से जब आप बात कर रहे थे मैं सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि उन्हें किसी तरह की अब तक मदद नहीं मिल पाई है, तो क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि जो लोग घर में फंसे हुए हैं और खास तौर पर जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं वो तो एक तरीके से कैद हो गए हैं, अगर जल्द से जल्द उन तक कोई मदद नहीं पहुंचेगी तो उनके सामने तो खाने पीने तक की दिक्कत हो गई होगी। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा ही जेन्युइन सवालों में यही से जवाब ले रहा हूं, अब तो खाने पीने की भी समस्या आ जाएगी। कोई नहीं आया, दूध भी नहीं है आप लोगों के पास, पीने का पानी नहीं है, खाने पीने का भी सामान खत्म हो रहा है। कितना 3 दिन हो गया है, देखिए ये लोग बता रहे हैं वहां से, मैं इनकी आवाज सुन पा रहा हूं, अखिलेश 3 दिन हो गया है, कह रहे हैं कि पीने का पानी भी खत्म हो रहा है, दूध नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है, और यहाँ कोई आया नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ ये, बड़ी सोसाइटी है देखिए यहाँ का ये पॉश इलाका है वटसर यहाँ पर, और इसके आगे जो गांव है वहाँ तो पूरा का पूरा गांव है वो पानी में डूबा हुआ है, और यहाँ पर जब मदद नहीं पहुँची है।
300 फ्लैट इसके अंदर हैं। देखिए मुझे वहां से ये लोग पूरी दास्तां बयां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 300 फ्लैट हैं अंदर और ये सारे लोग इस तरह की वाटर इमरजेंसी का शिकार होकर के यहां पर कैद में रहने को मजबूर हैं। अखिलेश, अभिषेक की रिपोर्ट तो दर्शकों तक आप पहुंचाते रहिए, लेकिन अपना भी ख्याल रखें क्योंकि आप बहुत ज्यादा पानी में इस वक्त हैं, वहां पर कहीं कोई मेन होल खुला ना हो क्योंकि बहुत तरह इस तरह के हादसे होते हैं, तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहिए। आप जान जोखिम में डालकर ये खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे थोड़ा ये भी बताइए, जब आप वहां जा रहे थे वडनगर के रास्ते, वहां के रास्ते में जब आप थे, तब आपने क्या देखा था? बाकी जगहों से क्या खबर आपको गुजरात में और मिल पा रही है? देखिए गुजरात में अगर आप बात करेंगे तो अहमदाबाद से लेकर के सौराष्ट्र में जामनगर, जूनागढ़, राजकोट, हर जगह पर यही हालात हैं। और आप देखिए यहाँ पर एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये लोग आ रहे हैं उनको उधर से पार करना, और ये वही इलाका है जो वड़सर गांव की ओर जाता है, जो मैं बात अभी आपसे कह रहा था कि समस्या कितनी ज़्यादा है। आप देखिए ये लोग पूरा कमर से ऊपर तक पानी है, उसको पार करके यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं और इसके आगे भी ऐसे ही लोग फंसे हुए हैं। यही तस्वीरें गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। पानी थोड़ा सा कम हुआ, एक फीट कम हुआ, ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, वडोदरा की विश्वामित्री नदी में, लेकिन उसके बाद भी अभी जो समस्या है वो जो कि त्यों कायम है, क्योंकि अभी भी नदी जो है अपने सामान्य फ्लो से 5 फीट ऊंचे है, खतरे के निशान से 29 फीट तक आएगी तब हालात यहाँ कुछ नॉर्मल होंगे। और यहाँ पर 7 जो ब्रिज हैं उस 7ों के 7ों ब्रिज वडोदरा के बंद हैं। ये जो आजवा डैम है उसके 62 गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी पानी का फ्लो 214 फीट के ऊपर है। अगर उसमें से गेट खोला जाएगा तो पानी और डिस्चार्ज होगा। ये देखिए हमको आते हुए दिख रहे हैं, एक बार अभिषेक आप नजर बनाकर रखिए। एक दरअसल बहुत ही अहम खबर दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। वडोदरा में बारिश के बाद रिहायशी इलाके में मगरमच्छ तक दिख गया है। वडोदरा के अकोटा स्टेडियम क्षेत्र में एक घर की छत पर मगरमच्छ पहुंच गया। अब आप सोच सकते हैं किस तरीके से लोग डर गए होंगे, घबरा गए होंगे। ये देखिए घर की छत पर पहुंच गया ये मगरमच्छ, तो आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। ये वडोदरा की ही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर एक अकोटा स्टेडियम इलाका है जहां पर किसी व्यक्ति के घर की छत पर आराम करता हुआ नजर आया ये मगरमच्छ। तो ये एक ऐसी तस्वीर जो यकीनन बहुत चौंकाती भी है, जहां पर लोगों के घर हैं वहां पर मगरमच्छ पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश का एक इलाका भेड़ियों की खौफ में है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। वन विभाग की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस की टीम ने रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन की। ड्रोन कैमरे में एक बार फिर से आदमखोर भेड़िया नजर आया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। भेड़िये का आतंक इतना है कि पूरे इलाके में दहशत में हैं लोग। खास तौर पर छोटे जो बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे, वो इन भेड़ियों के निशाने पर होते हैं। ड्रोन कैमरे में एक और भेड़िया देखा गया है। भेड़िये को पकड़ने के लिए कई जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं। यूपी का बहराइच इन दिनों भेड़िये के आतंक के साए में है। गांव में घूमता हुआ दिखा है आदमखोर भेड़िया, जो लोगों पर हमला करता है, लोगों पर निशाना साधता है, और खास तौर पर छोटे बच्चे इसके निशाने पर होते हैं। और ड्रोन से जो वहां पर नजर रखी जा रही है उसमें आप देखिए कैसे ये भेड़िया वहां पर आप देख रहे हैं फसल के बीच में, जो आसपास झुरमुट है उसके बीच में आराम करता हुआ नजर आया। और ये बहुत ही खतरनाक भेड़िये हैं, ये रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं, छोटे बच्चों को निशाने पर लेते हैं, आम लोगों पर अटैक कर देते हैं। तो भेड़िये का एक और नया वीडियो सामने आ चुका है। वन विभाग की टीम लगातार प्रयासरत है कि इन भेड़ियों को पकड़ा जाए, दबोचा जाए, लेकिन अब तक कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि लोग रात रात भर जगकर पहरा भी दे रहे हैं। लाठी डंडे लेकर आम लोग भी अपने इलाकों में पहरेदारी करते हुए नजर आते हैं। भेड़ियों का आतंक बहुत ज्यादा है। दरअसल इन्हें इंसानी खून की लत लग गई है। ये आदमखोर हो चुके हैं, लोगों पर हमला करते हैं, बच्चों पर हमला करते हैं, कई बच्चों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ लोगों की मदद से वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का खौफ किस कदर है उसे आप कुछ तस्वीरों के जरिए समझिए। अब तक भेड़ियों के हमले में 9 लोगों की जान चली गई। बहराइच के 30 गांव में भेड़िये की दहशत है। इन भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। थर्मल ड्रोन से इन भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया। बहराइच के इन 30 गांव में ग्रामीणों के दिन रात की चैन उड़ी हुई है। वन विभाग और पुलिस के साथ ही ये ग्रामीण रात भर हाथ में लाठी डंडे लेकर पहरेदारी करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बहराइच में भेड़िए की दहशत कुछ इस कदर मच चुकी है कि स्थानीय लोग तो पहरा दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती भी यहाँ पर की जा रही है। रायपुरवा गांव है जहाँ पर भेड़िए ने बच्चे को कत्ल किया था। तस्वीरें देख सकते हैं, लोग हाथों में डंडे लेकर निकले हैं। जो भी उनके पास मुहैया संसाधन है जिससे भेड़िए को रोका जा सकता है वो सारी इंतज़ाम लोग करके निकले हैं। और उसके साथ साथ दाईं ओर आप देखेंगे पुलिस बल जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर लाया गया है जिससे भेड़िए के आतंक से मुक्ति मिल सके। पुलिस के जवान यहाँ आपको नजर आएंगे, पीएससी के जवान यहाँ पर आपको नजर आएंगे और एक के बाद एक गाड़ियाँ जो पीएससी की हैं पुलिस की हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और सभी की ड्यूटी यहाँ पर लगाई जा रही है। भैया हमें बताएं कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। रायपुरवा में मुझे याद है कि बच्चे की जान ली थी भेड़िए ने, क्या स्थिति है अभी, कंट्रोल है कुछ? कंट्रोल तो है नहीं, भेड़िया यहीं पर है दो तीन गाँव में और लोग जग रहे हैं। जो पुलिस आई इतनी सारी, ऐसा लग रहा है जैसे सांप्रदायिक तनाव टाइप का हो गया, कोई बड़ी घटना हो गई हो, जितनी पुलिस मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। पहले ऐसी तस्वीरें आती थी लेकिन अब भेड़िए का आतंक इतना हो गया कि इतना पुलिस आया है। कल हमारे बगल दीवानपुरवा में एक 5 साल के लड़के को ले गई भेड़िया, अयांश को खा लिया। ऐसे अभी छत्तरपुर में भी दिखी है, ऐसे दिख रही है। इसमें पुलिस भी सहायता कर रही है और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी आ रहे हैं, गाँव के हम लोग भी उनके साथ में है कि आप कोई घटना ना घटे। मैं आज के घर गया था, उनके परिवार वालों से बात की थी और भी कई जगह गया हूँ, तो उनका ये कहना है कि एक ही भेड़िया आया था। एक ही नहीं, एक ही बताया था। एक ही नहीं सर, हाँ, कई हैं, कई हैं, ये झुंड बना के चलते हैं सर। लेकिन वो तो बता रहे थे एक भेड़िया आया था, एक भेड़िए से निपटने के लिए इतना अमला लगा हुआ है फिर भी अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। तो कई भेड़िया, अभी ड्रोन कैमरा भी उड़ाया गया था उसमें भी निकले हैं, 8-4 भेड़िया साथ में निकले दिखे थे, लेकिन 1-2-7 भेड़िया थी जिसमें 2 भेड़िया पकड़ भी गई हैं, 2-3-4 हैं क्षेत्र में। ऐसे कभी यहाँ देखती हैं कभी वहाँ देखती हैं। लोग मौजूद हैं, किसी ने भेड़िए को देखा जो मार रहा लोगों को, कोई है ऐसा जिसने भेड़िए को देखा हो? सर वही ड्रोन कैमरा से देखा गया है। अच्छा। और कोई ऐसे कोई देखा नहीं है, सामने से नहीं देखा। उनकी इतनी तेज रफ्तार है कि उनको कोई देख नहीं सकता है, डर के लिए कोई नहीं सो रहा है। हाँ, यहाँ सब लोगों के पास तो दरवाजा है नहीं, गरीब आदमी है सर तो सबके पास तो दरवाजा है नहीं। हम लोग गांव में इसलिए जाते हैं, उन बताते हैं कि बाहर मत लेटिए, बच्चों को लेकर घर में लेटिए, छत पे लेटिए, डंडा और जो भी डंडा है लाठी है लेकर छत पर लेटिए, घर के अंदर लेटिए, बाहर मत लेटिए। कोई बूढ़ा है घर, वो भी घर के अंदर लेटे, लाइट की व्यवस्था रखिए, टार्च रखिए, ये सब रखिए। स्थानीय लोग जागरूकता फैला रहे हैं और जो पुलिस बल है वो आप देख सकते हैं उसकी लगातार यहाँ पर तैनाती की जा रही है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं जो पीएसी और पुलिस बल को लगातार ड्यूटी दे रहे हैं कि कौन कहाँ पर काम करेगा जिससे भेड़िए के आतंक का खात्मा हो सकते। कोशिश लगातार जारी है लेकिन अभी फ़िलहाल भेड़िए की कोई सटीक लोकेशन नहीं मिली है और इसी कारण से अब तक जो गाँवों में दहशत है वो लगातार बरकरार है। कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि इस दहशत को खत्म किया जा सके। बहराइच के किसी भी गांव में चले जाइए, आदमखोर भेड़िए की दहशत कुछ इस तरह की है कि पूरा गांव सहमा है और उसका नजारा हम यहां देख रहे हैं इस गांव में। कौन सा गांव है ये बताएंगे? पूरे प्रशासन जी, ये मैं देख रहा हूँ पूरी भीड़ आपके साथ चल रही है, सभी के हाथों में लाठी डंडे है, भेड़िए का दहशत है। जी जी, भेड़िए का दहशत है जी। क्या इस गांव में कोई घटना हुई? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई घटना नहीं हुई है। अच्छा। जी, एहतियातन आप लोग निकले हुए हैं सारे लोग? हाँ, सारे लोग हम लोग डेली जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं गाँव में, जो लोग को बाहर नहीं सोने दे रहे हैं, सब गाँव के अंदर सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। बहुत रात हो चुकी है, आप सारे लोग निकले हुए हैं, लोगों को जगा रहे हैं, मैंने देखा आप लोगों ने गेट बंद कराए, जालियाँ बंद कराई, लोगों को कहा कि बाहर ना निकलें, तो ये कितना मुश्किल टास्क है? प्रयास किया जा रहा है कि भरसक सुरक्षा में लोग रहें और पूरी तरीके से लोग सतर्क रहें जिससे किसी प्रकार की कोई घटना ना होने पाए, इसके लिए हम लोग इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं।
दमखोर भेड़िया है जिस जो ये पूरे कांड कर रहा है के बाद एक वो अब तक नहीं पकड़ा गया है और इन गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों तरफ आप देख लीजिए, जिस तरफ भी देखेंगे सन्नाटा पसरा हुआ है। जो बच्चे हैं उनको सभी को घर के अंदर रहने की बात आप लोग समझा रहे हैं, टॉर्च दिखा करके लोगों को समझा रहे हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं। ये क्या लगता है कब इसका अंत होगा? अभी आज सूचना मिली है कि कोई उच्च अधिकारियों द्वारा भी भ्रमण किया गया है, कोई इस पे जल्दी ही कोई इस तरीके का कोई प्रयास किया जाएगा जिससे इसका स्थायी समाधान हो सके। डर लगता है आप लोगों घर में रहने में? भेड़िए का आतंक है, बच्चों को मार रहा है। डर तो लगता है साहब, छोटे छोटे बच्चों को ही भेड़िया अपना शिकार बना रहा है। तो बचा के रखे थे। क्या करती हैं आप? छत पर चढ़ गई थे, वहाँ पर सोई थे, रात में जागा करी थे। माँ हैं, रात भर जागती हैं इसलिए कि बच्चे सुरक्षित रहें। और ये गांव के लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि सभी को अवेयर करें, जागरूक करें, जिससे कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा करें। चूंकि आदमखोर भेड़िया इसी इलाके में लगातार घूम रहा है और यहीं के इसी क्षेत्र के लोगों को के बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है और लोग अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं, हाथों में लाठी डंडे और टॉर्च लेकर के निकले हैं, घर घर जा करके जिस गेट का जिस घर का दरवाज़ा खुला होता है उसको बंद कराते हैं और लोगों को कहते हैं कि अपने बच्चों को भीतर रखें, पैक रखें। देखिए गेट बंद हो गए हैं सारे के सारे, दहशत का आलम आप समझ सकते हैं क्या है। यहाँ चारों तरफ जहाँ देखेंगे वहाँ सन्नाटा पसरा है और ये सारे के सारे लोग जो हैं वो ग्रामीणों को अलर्ट करते हैं, समझाते हैं कि जाइए बच्चों को अपने घर में रखिए, सुरक्षित रहिए, जिससे भेड़िए की जो दहशत है वो कुछ कम हो सके। बहरहाल अभी तक भेड़िया नहीं पकड़ा गया है लेकिन इन लोगों को उम्मीद है कि जल्द जो वन विभाग के प्रयास हैं या जो और सरकारी महकमे लगे हुए हैं वो कोशिश करके भेड़िए को पकड़ लेंगे। आइए सीधे मैं आपको बहराइच लिए चलता हूँ। संजय त्रिपाठी की आप रिपोर्ट देख रहे थे और खुद संजय त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, गुंडे बदमाश हो इंसान हो तो इन्हें पकड़ भी ले पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर घेर कर, लेकिन ये भेड़िए हैं, कहां से आते होंगे, कहां से अचानक गायब हो जाते होंगे पता भी नहीं चलता होगा, बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है ये। देखिए अखिलेश, गुंडे बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस है, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी काम करते हैं और उसी तरीके से जानवरों पर नियंत्रण करने के लिए, जानवरों पर निगरानी करने के लिए वन महकमा बना हुआ है। दर्जनों अधिकारी हैं वन विभाग के जो इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं, उनकी एक्सपर्टाइज है ऐसे जानवरों को पकड़ने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक एक अदद भेड़िया जिसको आदमखोर कहा जा रहा है वो पकड़ नहीं पाए हैं। स्थिति ये हो गई है कि रात तो छोड़िए, दिन में लोग दहशत में रहते हैं। मैं अखिलेश बहराइच के अलग अलग गाँवों में देर रात तक घूमता हूँ, देखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, अपने बच्चों को लोगों ने घरों में कैद कर दिया है। बेहद डरावनी स्थिति है पूरे के पूरे बहराइच जिले में और लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामीण बहुत प्रभावित हैं। अब दिन की स्थिति क्या है, ये जो मेरे साथ ग्रामीण खड़े हैं इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। पहले तो मुझे बताइए गांव कौन सा है? ये महसी टपरा है। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ भेड़िए का कुछ आतंक वतंक है, किसी को मारा उसने? भेड़िया का है तो योग तो मारे डारी ना है, दुई का यहाँ तीन नून डारी नहीं है। अच्छा, हमारे गांव में खाली। अच्छा, बहुत कैसे रह रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके? मैं देख रहा हूँ पूरे गांव में तमाम सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे रहते हैं? अल्लाह दरवाजे के भीतर रहता हूँ सर और हम लोग इतना डरे हुए हैं क्योंकि कोई सहयोग नहीं करते हैं, दिन रात जंगल में घूम रहे हैं जानवर, रात में गाँव किनारे आ जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं। वो जो देखे हैं तो गोला धाई दिया है बस। अच्छा। खाले गोला दाग दिया है। देखा गया भेड़िया इधर आजकल में? भेड़िया जब देखा था और आगा था रपटाओ जो उस आप लोगों ने देखा भेड़िए पे? भेड़िए पे नजर पड़ी किसी की? इतनी इतनी भेड़िया हैं, देखा है उनको। अच्छा। कई बार आज वन क्या कहता है दिक्कत आ रही हो? वन विभाग ने कैमरा लाया है, उनका उड़ावत है और उनका देखबो करे है तो कहीं का कहा था गोला चला देते हैं। क्या लगता है कैसे भेड़िया? अरे उसे पकड़ते ही ना है, वो आवत है कैमरा उड़ावत है, जोने गन्नम होत है कैमरा लेके जी है बस कहीं मन आई है और जोने होत है तो बाद में ग्वाला बहा दिए हैं, खाभड़ वाभड़ लगी हैं जब वो पहले निकल जीत के। मार्च महीने से लेके अब तक 9 लोगों को भेड़िया मार चुका है, 8 बच्चे हैं। आप ही के आस पड़ोस के गाँवों में ये सारी घटनाएं हुई हैं। भेड़िया आपने देखा? हाँ जी, संध्या का देखा, वह कल देखा गवाह है। कल आपने देखा? कल भी रपटा देखा है? हाँ देखा है। देखा जी। तो वन विभाग क्यों नहीं देख पा रहा? वो अवतः नहीं वो किसी ने तो देखे ही का और आवत है खाली रोड पर, हम गाड़ी बजाए हारन बजाए के चले जाते हैं। आप लोगों ने सूचना नहीं दी उनको कि भेड़िया हमने देखा इसको पकड़ो? 76 पर फोन भी किया था तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई आ रही गाड़ी आ रही, 2 घंटा ले रहा था, कोई भी नहीं, यह गन्नों में यहाँ घेरे रहा कर सामने खेत में, ये गन्ने खेत में सामने गन्ने का खेत है, यहाँ पर ग्रामीणों को भेड़िया दिख जा रहा है, वन विभाग को भेड़िया नहीं दिख रहा है।
और ऐसे में इनके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनको घरों में कैद कर दिया गया। रात रात भर अखिलेश इन बच्चों को बंद रखा जाता है। गर्मी है यहाँ पर, बिजली की भी दिक्कत है। बिजली की भी दिक्कत है सर, आज दो दिन हो गया तब से ट्रांसफार्मर रखा गया है, तभी शाम के टाइम में कट मार देते हैं, चार पाँच दस मिनट तक का कट मार देते हैं। भेड़िए का आतंक है और बच्चों को घर के अंदर रखना मजबूरी है और ऊपर से लाइट नहीं आती है, तो आप समझ सकते हैं स्थितियां कितनी। बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिए संजय, इन लोगों से आप बात करिएगा, कुछ और भी जानकारी हम दर्शकों तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बहराइच के DFO अजीत प्रताप सिंह का एक बयान सामने आया, ड्रोन कैमरे में दो भेड़िए नजर आए हैं, ग्रामीणों को अलर्ट रहने को कहा गया है, ये DFO की तरफ से जानकारी दी गई है। आप हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी के साथ जो ग्रामीण बात कर रहे थे उन्हें भी सुन रहे थे, उनका भी ये कहना था कि ये भेड़िए देखे गए हैं लेकिन पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं। सवाल तो अब ये है, जहां बैठे हैं यहीं से 2 किलोमीटर के बीच में अक्सर उसके लिए लोकेशन होती है। रात में वो इधर से निकलते हैं, अभी सामने से निकला है, हमारे दोनों में कैप्चर भी हुआ है, तो इस गांव में गया है। तो हमने इधर गांव के में जो भी हमारे लोग लगे हैं उनको हमने फ़ोन करके वहीं बैठे बैठे बोल दिया है, पटाखे जगा रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे। अभी आवाज़ सुनी थी पटाखों की, दो नज़र आए थे, इसमें एक लंगड़ा है, हमें लगता है वो कहीं इधर उधर रहा होगा, लेकिन वो दो थे और वहाँ तो दिखे थे यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर। मंडी से सांसद कंगना रनौत बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर पहुंची हैं, जहां उनसे उनकी मुलाकात चल रही है। दरअसल उनके बयान से उपजे विवाद के बाद उनकी मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर जो बात कंगना रनौत ने कह दी थी उसके बाद पार्टी की बहुत किरकिरी भी हुई थी और बीजेपी ने इस बयान से दूरी बना ली थी। ये साफ तौर पर कहा गया था कि दरअसल ये पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। कांग्रेस ने इस पर बीजेपी को घेर लिया था। आपको पता है आने वाले दिनों में हरियाणा में चुनाव भी है और इस चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को इस बात का एहसास हुआ कहीं नुकसान ना हो जाए कंगना रनौत के बयान का। तो ना सिर्फ बीजेपी ने दूरी बनाई कंगना रनौत के इस बयान से, बल्कि खबर यह भी आई थी कि यह बात कही गई है कंगना को, उन्हें ताकीद किया गया है कि आप आगे से इस तरीके की बात ना कहें ना बोलें। और अब JP नड्डा से मिलने के लिए पहुंची हैं, हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इस मुलाकात को लेकर और कुछ जानकारी मिल पा रही हो नीरज? देखिए, जब भी परिवार का कोई सदस्य कुछ गलती करता है तो जो घर का मुखिया होता है उसको बुला के डांटता भी है, समझाता भी है और आगे ऐसी गलती ना करने की हिदायत भी देता है। तो इस मुलाकात को ऐसे ही माना जाए क्योंकि कंगना रनौत के बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करना पड़ा और इस पूरे उनके स्टेटमेंट से अपना किनारा करना पड़ा और उसके बाद कंगना रनौत यहाँ मिलने पहुंची। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार इस बयान के बाद से हाईकमांड ने कंगना रनौत को फटकार भी लगाई थी कि आपको कई बार मना किया गया कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करें, लेकिन बावजूद इसके बैक टू बैक आप स्टेटमेंट दे रही हैं और आपके बयान से कई बार पार्टी को दिक्कतें हो जाती हैं। तो उस डांट फटकार के बाद आज कंगना रनौत मिलने पहुंची JP नड्डा से, अपने पक्ष रखे। नीरज, कल भी खबर आ रही थी कि कल ये मुलाकात होनी थी। जी, पहले कल नहीं बल्कि एक दिन पहले परसों ये मुलाकात होनी थी शाम को 7 बजे तय थी, लेकिन JP नड्डा किसी कारण बस कहीं कार्यक्रम में बिजी हो गए थे जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई और आज सुबह सुबह कंगना रनौत फिर पहुंची हैं उनके आवास मुलाकात करने। JP नड्डा से अभी भी उनके आवास में ही है, मुलाकात चल रही है। ठीक है नीरज, नजर बनाकर रखिए, कुछ अपडेट होगा तो आप बताइएगा, दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे वो इन्फॉर्मेशन भी। अब बात गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश से हाल बेहाल है, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जामनगर से भी डराने वाली तस्वीर सामने आई, यहां रंजीत सागर डैम ओवरफ्लो हो गया है। बांध ओवरफ्लो होने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। तो बांध ओवरफ्लो हो गया है और उसके बाद जो निचले इलाके हैं, तराई वाले इलाके हैं, वहां पर अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि अब पानी उधर का रुख कर रहा है। यह रंजीत सागर डैम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वाटर लेवल बहुत ज्यादा, बांध ओवरफ्लो हो चुका है, यानी इस तटबंध के ऊपर से पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर अब ये जो निचले इलाके हैं उधर का रुख करेगा। आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें सावधान भी कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है तमाम निचले इलाकों में। गुजरात में इन दिनों बाढ़ से, बारिश से लोग त्राहिमाम हैं, परेशान हैं। कई जिलों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
जामनगर का जब डैम ओवरफ्लो हो गया उस दौरान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पानी बहकर नीचे की तरफ जा रहा है, तेज प्रवाह। ABP News आपको रखे आगे।